हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोहित विलन फिल्म्स। और आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसका शीर्षक है कोठे पर कन्यादान, जिसकी राइटर हैं गरिमा मिश्रा। बाबूजी, आज झाड़ू लगा देती हूं, कल पोछा लगा दूंगी, करहाते हुए मधुलिका बोली। कल क्यों, आज क्यों नहीं? बाबूजी, तबीयत ठीक नहीं है, मधुलिका ने कहा और झाड़ू रख दिया। चलती हूं बाबूजी, कल समय से आ जाऊंगी, फिर सब काम कर दूंगी, ठीक है? करण ने कहा, कल जरूर समय से आ जाना। दूसरे दिन बुखार से तड़पती हुई मधुलिका करण के घर पहुंची। बाबूजी, आज तबीयत और भी खराब हो गई, मधुलिका ने कहा। सोफे पर बैठे करण बाबू ने मधुलिका के नब्ज पकड़ते हुए कहा, ठीक है, आराम कर लो। कहते हुए करण बाबू सोफे से उठ गए, मधुलिका सोफे पर बैठ गई। करण बाबू ने गर्म दूध और कुछ दवाइयां दी। मधुलिका ने दूध पिया और बुखार की दवाई खाकर सोफे पर ही लेट गई। चमकदार आंखें, गोरा चिट्टा बदन, घुंघराले बाल, उम्र तो अभी 16 की ही रही होगी। करण बाबू मधुलिका को एकटक निहार रहे थे। कुछ देर बाद करण ने मधुलिका से पूछा, आराम हुआ? तो मधुलिका ने कहा, हाँ बाबूजी, आराम हो गया, और कहकर अपने काम में लग गई। करण बाबू ने धीरे से पूछा, 10 दिन हो गए मधुलिका, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मधुलिका ने कहा, बताने लायक बचा ही क्या है बाबूजी, जो बताऊं। करण ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? मधुलिका ने कहा, माँ बाबू ने मुझे दुनिया में अकेला छोड़ दिया, जीने के लिए संघर्ष कर रही हूं। कहते हुए मधुलिका रो पड़ी। करण ने पास आकर मधुलिका के कंधे पर हाथ फेरा, रोती क्यों हो, मैं हूं ना, कैसे ना रो, जब सब कुछ लुट गया कैसे समझाऊं अपने मन को। क्या हुआ बताओगी? करण मधुलिका के और पास सरकते हुए, किस बात की चिंता करती हो, कुछ तकलीफ होगी मुझसे कहना। करण भी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां उसे अपने मन की प्यास बुझाने की चाहत थी। मधुलिका का हाथ पकड़ते हुए करण ने उसे धैर्य बंधाया, रोती क्यों हो, चुप हो जाओ। मधुलिका के शरीर से मानो बिजली सी कौंध गई। काम हो गया, अब जाती हूं बाबूजी, मधुलिका ने कहा। करण ने मधुलिका का हाथ पकड़ते हुआ, कहां जाती हो, तबीयत ठीक नहीं है, यही आराम करो, घर में भी तो कोई नहीं है, कौन देखभाल करेगा। मधुलिका ने सकुचाते हुए कहा, ठीक है बाबूजी, आप कहते हैं तो आज यही रुक जाती हूं। बुखार से शरीर तप रहा था, चेहरा लाल हो गया था। करण बाबू ने ठंडे पानी की पट्टी माथे पर रखते हुए सिर पर घुंघराले वालों को हटाते हुए मधुलिका को निहारे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मन में काश और आस लिए हुए दूध में कुछ डाल कर लाए, पी लो मधुलिका, करण ने इशारा किया। हाँ बाबूजी, कहते हुए मधुलिका ने दूध पी लिया और गहरी नींद सो गई। अगले दिन सब कुछ बदल गया। मधुलिका के दामन पर दाग लग चुका था, वो उसे छुड़ाती भी तो कैसे, उसे कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन तक करण मधुलिका की देखभाल के बहाने उसके जिस्म से खिलवाड़ करता रहा। बेचारी मधुलिका दवाओं के नशे में सोती रहती। समय बीत रहा था। बाबूजी, तबीयत और भी बिगड़ रही है, आराम तनिक भी नहीं हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर को दिखा देता हूं। करण डॉक्टर को बुलाने गया। मधुलिका को चक्कर भी आ रहा था, अब तो वो अपने घर जाने की स्थिति में भी नहीं थी। क्या बात है मधुलिका, कब से बुखार आ रहा है? 1 महीना हो गया साहब, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप को सीने पर रखते हुए कहा, टाइफाइड है, समय लगेगा।
बुखार बिगड़ गया है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और चला गया। अगले दिन ऑफिस जाते हुए करण ने मधुलिका से कहा, मैं नहीं रहूँगा, घर पर डॉक्टर साहब आएंगे, उन्हें अपनी तकलीफ बता देना और अपना ख्याल रखना। दरवाजे की घंटी बजी। मधुलिका ने लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोला। आइए डॉक्टर साहब। मधुलिका ने अंदर की ओर इशारा किया, फिर चकराकर गिर गई। डॉक्टर ने मधुलिका को उठाकर बाहों में भर लिया, फिर सोफे पर लेटा दिया। मधुलिका को नहीं पता था कि अब वो दो लोगों का शिकार बन चुकी है। डॉक्टर ने दवाइयां दी, मधुलिका की तबीयत में सुधार हो रहा था, परंतु कमजोरी जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा, टाइम से दवाई लेती रहना, आराम हो जाएगा। फिर शाम को दरवाजे की घंटी बजी। मधुलिका ने दरवाजा खोला। आज मधुलिका खुश थी, एक अलग चमक थी उसके चेहरे पर। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुरझाया हुआ चेहरा चमक रहा है, लगता है तबीयत अच्छी है। मधुलिका शर्मा गई, मैं पानी लाती हूँ, आप बैठिए। तो बैग भी अंदर लेती जाओ। नहीं साहब, इसमें पैसे होंगे। तो क्या हुआ, ले जाओ, रख दो, करण ने कहा। बैग उठाते हुए मधुलिका ने कहा, बड़ा भारी है बाबूजी। मधुलिका को कहां पता था कि वो डॉक्टर के हाथों बिक चुकी है। बैग में वही पैसे थे जो मधुलिका का जिस्म बेचने के लिए करण को डॉक्टर साहब ने दिए थे। अगली सुबह करण ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ मधुलिका। उत्तर में मधुलिका ने कहा, मैं भी अपने घर जाती हूँ बाबूजी, बहुत दिन हो गया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, यानी कौन से जन्म में आपका कर्जा उतार पाऊंगी। करण ने मधुलिका को रोकते हुए कहा, घर पर कौन है, तबीयत खराब हुई तो कौन देखभाल करेगा। हक जताते हुए करण ने मधुलिका के कंधे पर हाथ रखते हुए ये बात कही। मधुलिका मुस्कुराकर करण की ओर देखने लगी। अब वो करण में एक सच्चे प्रेमी की तलाश करने लगी। उसे कहां पता था कि वो दवाओं का नशा और करण दोनों मिलकर उसके प्रेम का पहले ही कत्ल कर चुके हैं। अब डॉक्टर भी उसमें शामिल था। अगली सुबह करण ऑफिस चला गया। दरवाजे की घंटी बजी। मधुलिका ने पूछा, कौन। दरवाजा खोला तो देखा सामने डॉक्टर साहब खड़े थे। आइए डॉक्टर साहब, मधुलिका ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए स्वागत किया। कैसी हो मधुलिका, करण ने बताया कमजोरी बहुत है, सोचा कुछ दवाई दे दूं और हाल चाल भी लेता चलूं। डॉक्टर साहब ने दवाई देते हुए कहा, एक गोली अभी और एक गोली रात को खा लेना, कमजोरी दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने दवाई का रैपर खोला और एक गोली निकालकर मधुलिका के हाथ पर रख दी। मधुलिका ने जैसे ही दवाई ली, वो नींद की आगोश में चली गई और डॉक्टर साहब अपने दिए पैसों की कीमत वसूलने लगा। जब मधुलिका को होश आया तो डॉक्टर साहब जा चुके थे। उसने आंखें खोली तो देखा करण पास में बैठा। मधुलिका ने अपना हाथ करण के हाथ पर रख दिया और बोली, बाबूजी आपका मुझ पर बड़ा एहसान है, मैं इसकी कीमत कैसे अदा कर पाऊंगी। मधुलिका करण के और पास आना चाहती, उसके मन में सच्चे प्रेमी की तलाश करने लगी। पैसों की कीमत अदा हो चुकी थी, डॉक्टर साहब का भी आना बंद हो गया। अब मधुलिका धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, खुश थी, करण के साथ चिड़ियों की तरह घर में चहकती रहती। वो अपने बिखरे सपनों को सजाने में लगी थी, टूटी हुई बटन को टांगते हुए। तुम कितने प्यारे हो, मधुलिका ने करण से कहा। हाँ प्यारी तो तुम भी हो, कहते हुए करण ने मधुलिका को अपनी बाहों में समेट लिया। मधुलिका करण को पाकर बहुत खुश थी, खुद से भी ज्यादा करण पर विश्वास करने लगी। आज ऑफिस नहीं जाओगे, सुबह मधुलिका ने करण को जगाते हुए कहा।
करण ने मधुलिका को बाहों में भीजते हुए एक चुम्बन उसके माथे पर जड़ दिया। दोनों एक दूसरे के लिए प्रेम के अथाह सागर में हिलोरे लेने लगी। कुछ देर बाद, तैयार हो जाओ मधुलिका, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा। मधुलिका तैयार हो गई, लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। चेहरे पर घुंघराली लटें, गदराया यौवन, कोई भी देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठे। चलना नहीं है क्या? बैठे बैठे देख रहे हो, शर्माकर मधुलिका बोली। गाड़ी स्टार्ट हुई, गाना बज रहा था, तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। मधुलिका को कहाँ पता था जिसे वो रोशनी समझ रही है, वो तो घनघोर घटा थी जो और काली हो रही थी। एक बार के पास गाड़ी रुकी। अंदर आओ मधुलिका, करण ने कहा। फिर दोनों अंदर चले गए। मधुलिका ने नाक बंद करते हुए कहा, शराब की बुआ रही है, कहीं और चलते हैं। करण मधुलिका को लेकर बार के ऊपर वाले फ्लोर पर कमरे में ले गया। यहां बहुत सुकून है, कहते हुए मधुलिका ने करण के कंधे पर अपना सिर रख दिया। तुम उसे कितना प्यार करते हो करण, मेरा कितना ख्याल रखते हो, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। मधुलिका ने करण के गले में बाहें डाल दी। तुम्हें प्यार मिलना भी चाहिए, तुम उसकी हकदार जो हो, करण ने हौले से कहा। इतना कहकर करण कमरे से बाहर निकल गया। शाम हो रही थी, अभी तक नहीं आए, कहाँ गए? मधुलिका मन ही मन सोच रही थी, उसकी घबराहट बढ़ रही थी। फोन भी बंद आ रहा है, शाम हो रही है, पता नहीं कहाँ चले गए, कब तक आएंगे। अब मधुलिका इन सारे सवालों के घेरे में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात हो गई, अचानक कमरे में एक औरत का प्रवेश हुआ। हाथ में एक बड़ा थाल था जिसमें खूबसूरत साड़ी, श्रृंगार के सामान और घुंघरूदार पायल थे। ले पहन ले और सारा श्रृंगार करके तैयार हो जा, देखती क्या है बहन, उस औरत ने कहा। मधुलिका अचंभे में थी, उसने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उसे बार बार करण की चिंता सताई जा रही थी। उस बेचारे को क्या पता था कि करण ने उसे इस नरक में धकेल दिया है जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकती। अचानक मधुलिका की नजर उस ओर गई जहां 20-25 लड़कियां सज धज कर अपने कमरों के सामने खड़ी थीं। लोग आ रहे थे और जिसे जो पसंद आता वो उसको लेकर कमरे में चली जाती। मुझे क्या करना होगा, यहां पर कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन करण की तरह प्यार करेगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा, अंदर क्या करना होगा, ये साड़ी क्यों दी जा रही है। वापस से ये सारे सवाल मधुलिका के मन में चलने लगे। एक कड़कड़ाती आवाज सुनाई दी, कितनी देर लगेगी, और औरत ने उत्तर में कहा, तैयार है, लाती हूं साहब। तैयार होती है, दूसरा तरीका अपनाऊं। मधुलिका ने डर के मारे साड़ी पहन ली, श्रृंगार किया, तैयार हुई। वो परी की तरह लग रही थी, बहुत खूबसूरत। उसे क्या पता था कि उसे मछली की भांति रोज बगुले की चोंच में जाना होगा। भले ही मधुलिका लोगों की नजरों में वेश्य बन गई हो, परंतु उसमें एक प्रेमिका थी जो करण की तलाश कर रही थी। करण रोज पैसे वसूलने आता, वो हर रोज खिड़की से ललचाई नजरों से करण को देखती। अब मधुलिका खिड़की तक ही सीमित रह गई थी। कुछ दिन बाद मधुलिका ने मालकिन से कहा, करण बाबू से एक बार मिलने को दिल चाहता है, उसने तुम्हें बेच दिया है, वो तुमसे नहीं मिलेगा,
मधुलिका के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। मार्किन के पास बैठे दरोगा बाबू सब कुछ देख रहे थे। मधुलिका सिसक रही थी। जा कस्टमर को पटा, अब करण से मिलने की आशा छोड़। मधुलिका अंदर चली गई, पीछे पीछे दरोगा बाबू। मधुलिका सकपक आ गई, चीखते हुए बोली, दूर हट जा वरना जान ले लूंगी। पास रखा चाकू उठाते हुए बोली, नजदीक मत आना। दुल्हन की भांति सजी हाथों में चाकू लिए मधुलिका चंडी की भांति लग रही थी। दरोगा बाबू ने पानी का गिलास थमाते हुए कहा, चला जाता हूं, पानी तो पी लो। मधुलिका ने चाकू रख दिया, पानी पिया और चुपचाप बैठ गई। दरोगा बाबू भी बिना कुछ बोले मधुलिका के कमरे से बाहर चले गए। अब दरोगा बाबू का हर रोज मधुलिका से मिलने के लिए मन बेचैन रहने लगा। वो हर रोज उस कोठे पर आते और मधुलिका को देखकर वापस लौट जाते। रोज क्यों आता है रे, मालकिन ने कहा, 10,000 ले लो, मुझे आज जाने दो, बस आधे घंटे के लिए। हर रोज दरोगा बाबू मधुलिका के कमरे में जाते, हालचाल पूछते और फिर लौट आते। मधुलिका समझ नहीं पा रही थी कि ये व्यक्ति क्यों आता है। समय कम होता गया, पैसे बढ़ते गए। 1 घंटे 5,000, आधे घंटे 10,000, 15 मिनट 20,000। धीरे धीरे मधुलिका ने भी दरोगा बाबू को जानने का प्रयास किया। दरोगा बाबू भी मधुलिका के प्यार को जगाना चाहते थे। वो साबित करना चाहते थे कि वही उसका करण है। लेकिन कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मधुलिका के लिए ये कहावत लागू हो चुकी थी। मधुलिका कैसे विश्वास करती जब एक औरत की प्रेम का पहले ही कत्ल कर दिया गया हो। समय बदलते देर नहीं लगती। वो दिन आया जब दरोगा बाबू ने पूरे कोठे को ही खरीद कर सभी औरतों को आजाद किया। कुछ देर बाद 20-25 खूबसूरत नौजवान सज धज कर कोठे पर आए। ये और कोई नहीं, दरोगा बाबू की मित्र मंडली थी। कोठा करोड़ों में बिक चुका था और दरोगा बाबू उसके मालिक बन चुके थे। बाजे गाजे के साथ शहनाई की ध्वनि सुनाई पड़ी। सभी लड़कियों ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा बारात चली आ रही थी। किसी को भी नहीं पता था क्या होने वाला है। बारात कोठे की तरफ बढ़ रही थी। सभी एक दूसरे से कह रही थी कि काश हम भी दुल्हन बनती, काश हमें भी कोई चाहने वाला होता, काश हमारी भी शादी होती। मधुलिका बोल पड़ी, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। हमारे लिए इस कोठे के अलावा अब कहीं पर जगह नहीं है। सभी लड़कियां दुखी थी। आज तो कितने लोगों की मेहमान नवाजी में खुद को पेश करना होगा। जिस्म तो छलनी हो जाएगा, एक ने कहा। मधुलिका बोली, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन ये सब नहीं करूंगी। दरोगा बाबू का मधुलिका के कमरे में प्रवेश हुआ, बोले, तो मैं मरने नहीं दूंगा। हर रोज तो मरकर जीती हूं, ऐसा जीना भी क्या जीना, मधुलिका ने कहा। दरोगा बाबू ने कहा, मधुलिका हम तुमको ब्याहने आए हैं। मधुलिका को विश्वास नहीं हो रहा था। मधुलिका, मैं तुमको तब तक स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम्हें अपनी दुल्हन नहीं बना लेता। तुम पवित्र प्रेम की साक्षात मूर्ति हो, दरोगा बाबू ने कहा। हवन कुंड तैयार हो रहा था। बरामदे में सभी अपनी अपनी दुल्हन के साथ फेरे लेने के लिए तैयार थे। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। कोठे की मालकिन में भी मानवता जाग गई। वो मंडप में बैठी सभी वर वधुओं को कन्यादान के लिए आगे बढ़ी। क्षमा मांगते हुए दरोगा बाबू के चरणों में गिर पड़ी। सभी अपनी अपनी नवविवाहिता के साथ प्रसन्न थे। ये कोठा नहीं रहा बल्कि अब ये दरोगा बाबू की हवेली बन चुकी थी।
मधुलिका जिसकी मालकिन और उसके सभी दोस्त उसके परिवारजन। दरोगा बाबू मधुलिका को पाकर प्रसन्न थे। मधुलिका भी वास्तव में खिल उठी, उसका यवन महक उठा और वो भी इतनी प्रसन्न थी जितनी कि शायद कभी हो पाती। दोनों प्रणय के सूत्र में बन गए थे। मधुलिका के मन का मोर नाचने लगा। मधुलिका ने मन ही मन सोचा, काश सभी पुरुष दरोगा बाबू की तरह हो जाते तो समाज में औरत बदनाम ना होती। अगर औरतें बदनाम होती हैं तो उसके पीछे पुरुष का हाथ होता है। जिस पर कभी बार क्लब लिखा था उस पर आज सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेरे सपनों का महल, दरोगा बाबू।